मित्रांनो, पार्टी करायची आहे तर मग चला ना सोलापूर बरोबरच विजापुरात प्रसिद्ध असलेल्या चाचा मच्छी ढाब्यावर। चाचा मच्छी ढाबा, विजापूर रोड, टाकळी, सोलापूर। संपर्क 97 64 66 495। शहरातील मुस्लिम पाश्चा पेठ कालिका मंदिर पाठीमागे ड्रेनेजचे घाण पाणी रहिवाशी भागात शिरल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे। गेल्या अनेक दिवसांपासून हे ड्रेनेजचे घाण पाणी या परिसरातील रस्त्यांवर वाहत आहे, त्यामुळे येणाऱ्या जाणाऱ्या नागरिकांना व स्थानिक रहिवाशांना मोठ्या दुर्गंधीचा सामना करावा लागतोय। ऐन पावसाळ्यात घाण पाणी रस्त्यावर वाहत असून लहान मुलांचे आरोग्य धोक्यात आल्याची तक्रार स्थानिक रहिवाशांनी लोकप्रधान न्यूज चॅनलकडे केली आहे। या गंभीर समस्येकडे लोकप्रतिनिधी व महापालिका अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष असून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे। तर निलगार इस्टेट येथे असलेल्या शैक्षणिक संस्थेचीही ड्रेनेज लाईन फुटली असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे। त्याचबरोबर पावसाळ्यात राहुल गांधी झोपडपट्टी परिसरातूनही मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधीयुक्त पाणी अनेकांच्या घरासमोर येत आहे। महापालिका प्रशासनाने या गंभीर बाबीकडे लक्ष द्यावे, अन्यथा मोठा धोका नागरिकांना निर्माण होईल। तर या गंभीर समस्येवर स्थानिक नागरिकांनी काय प्रतिक्रिया दिली ते पाहूयात। बोलो, तुम्हाला क्या तकलीफ आहे? मेरा नाम मोहम्मद शफी कंपली है। मेरा घर नंबर 321/29 है। ये कालिका मंदिर और निलगार स्टेट के पीछे का मैं एरिया की जिक्र कर रहा हूँ। हमको कंटिन्यू तकरीबन एक या दो साल से ज़्यादा भी कहे तो क्या आप चल सकता है कि कंटिन्यू देखिए, ये निलगार स्टेट की स्कूल सोसाइटी की स्कूल है, मतलब ओपन टू एयर जो है ड्रेनेज किए हुए, और यहाँ पे पूरी बस्ती है, मतिन कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ पे हमारे मकानात वगैरह है, सब कुछ है, बच्चे खेलते कूदते सब कुछ। ये ओपन टू एयर जो है इनका ड्रेनेज की वजह से सब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, और बार बार ना हॉस्पिटल्स को इस तरह से कभी मलेरिया, कभी बदबू, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां से हमको सामना करना पड़ रहा है। अगर ये लोग सही तरीके से ड्रेनेज का इंतजाम करते हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात दूसरी, बारिश का पानी भी जो है पहले पूरा स्लोप जो है निलगार स्टेट के सामने जो है वहां पे आया करता था, लेकिन अभी जो है ये जो स्लोप है इस तरफ किए हुए, मतलब सड़क से मेन रोड से लेके नीचे की तरफ किए हुए, इससे क्या हो रहा है कि पूरा पानी, बारिश का पानी और ये झोपड़पट्टी, राहुल गांधी झोपड़पट्टी उसका पानी, ये देखिए सामने जो आपको ये कचरा वगैरह जो सन्नास वगैरह दिखाई दे रहा है उसका पूरा पानी यहाँ पे चला जाता है। इसकी वजह से मोर देन जो है आपको हाफ फीट से ज्यादा पानी यहाँ पे रुक जाता है, लोगों को चलना फिरना बहुत सारी चीजों से मुझे घरों में पानी आ जाता है। कितने दिनों से तकलीफ? ये तकरीबन है ना ऐसा रेगुलर आप देखेंगे तो 2-3 साल से प्रॉब्लम है, 1-2-3 साल बोल दीजिए आप, और बारिश में तो बहुत मुश्किल है, और हाल ही में ये तो एक या दो महीने से ज्यादा हो गया। कॉर्पोरेशन को बोलेंगे, किसी को बोलेंगे, अलग अलग लोग आते हैं, किसी का नाम पता नहीं क्या नहीं, कभी वो लोग 100 रुपया मांगते हैं, कभी 200 रुपया मांगते हैं साफ करने के लिए, हम बोलेंगे करेंगे कुछ नहीं होता। ये कुछ तो कुछ प्रशासन बोलो या कॉर्पोरेशन बोलो या बच्चे हैं, हाँ ये चीज है कि बच्चे बहुत कुछ है। हम कहते हैं कि भाई ये स्मार्ट सिटी है, मोदी साहब का स्मार्ट सिटी है, विद रिस्पेक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर, ओके, बट दे शुड ऑल्सो थिंक रिगार्डिंग द ह्यूमन बींग्स। वो आप बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, ये स्मार्ट सिटी बना रहे तो सोलापुर को वाकई में एक स्मार्ट सिटी बनाना चाहिए। वी ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द स्मार्ट सिटी, वी ऑल्सो वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट द फॉर मेकिंग द स्मार्ट सिटी, बट द सिस्टम डूइंग लाइक दैट, दे शुड थिंक अबाउट दिस थिंग्स। दीज आर दिस स्मॉल कंप्लेंट्स फॉर अस फ्रॉम अस, ये आप देख लीजिए, और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, यही एक बेस्ट कम्युनिकेशन मीडिया है, मास मीडिया है, जिससे हम आज के जमाने में ये हमारी कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसा तो बाकी सब करप्शन ही चल रहा है, किसी बोले 100 रुपये मांग रहा है, 200 रुपये, कब तक देना, कब तक करना है ये? ओके, तो आप जरा हमको ये जो हमारा मैसेज है आप मल्टीमीडिया के थ्रू जो है सिस्टम से पहुंचाए, और हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। हमारा सहनाज कोंडा, क्या तकलीफ है? ये गटार के पानी से बच्चों जाना कर रहे, मच्छरा हो रही, मक्का हो रही। कितने दिन से हो रहे? बस आ रही, एक महीना हुआ। कहाँ से आ रहा पानी? ये कालिका मंदिर का नीचे। क्या तकलीफ है? गटार का पानी बोने लगे, बास आने लगी, से उल्टा जुलाब हो रही बच्चों को। कौन ध्यान दे रहे? कौन भी ध्यान नहीं दे रहे, वैसे आ रहे जा रहे लोग, ऐसा चाह रहे जा।
बासारी। नाम बोलो। मेरा नाम सरपंच है। हाँ, क्या तकलीफ है? मेरे क्या है, सामने गटार टूटी, तीन दिन से घर के सामने डाल सब सुबह अंदर बास, घर सब बास टूटे गए, घर सामने के है ना, और वो छोड़ के नीचे के चार घर आएंगे, कुंडा का घर है, उसका जनाब का घर है, उसके नीचे घर है, तीन दिन की बारिश आई, बारिश का पानी और बारिश दोनों में आ रहा है, घर के अंदर मच्छरा हो रही दुनिया से, अब नन्हे बच्चे सता रहे, इसलिए हमें कपची कौन भी नहीं आ रहे, कचरा ले जाने वाला भी नहीं आता, वो गटार देखने वाला भी नहीं आता। कितने दिन से कटली पड़ी? ये तीन दिन की, उसके अवल तो कचरा वाले आते जाते, लेकिन ये तो तीन दिन की, क्या चौथा दिन आता, नगर सभा वगैरह वो निकला भी नहीं आता, कॉर्पोरेशन को कम्प्लेन कर रहा है, हमना नहीं आता ना वो करने को, हमें बच्चे नहीं क्या दिए, हमको मालूम भी नहीं ना, नगर सेवक तो आता नहीं, क्या नहीं, पांच बरस के एक बार आता, खलास होगा आज कौन आना। हाँ, क्या तकलीफ है? ये गटार का पानी हमेशा का है, ये कंटिन्यू आने का यहाँ, ये बच्चों को फिरने के लिए, कहाँ बात जाने के लिए कुछ भी ये नहीं है, कितना बोलते इतना कंप्लीट करते कोई भी आकर देखता नहीं यहाँ, ये जाने के लिए रास्ते को कैसा जाएंगे बोलो, बच्चे बीमार पड़ रहे। हाँ, बच्चे पूरे बीमार पड़ रहे, ये पानी से पूरा दिन रात पानी जाता रहता है। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। हाँ, ये आप जैसे कि देख रहे हैं, ये जो राहुल गांधी झोपड़पट्टी के बाजू में ये और कालिका मंदिर के एकदम पीछे बाजू में, यहाँ पे कभी भी बारिश हो दे और ये गटर का जो ड्रेनेज का पानी है ये हमेशा आते रहता है, और कितने बार भी बताओ तो साफ सफाई का होता नहीं है जल्दी, और यहाँ से बच्चे लोग भी स्कूल को जाते हैं, और बाकी क्या हमको नमाज के लिए जाने का रहता है वो भी तकलीफ होती है, बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, बच्चे आके ये गटर में खेलते हैं, वो बाकी का ये कैसा है, पूरा बीमारी का घर है ये। कितने दिनों से तकलीफ है ये? अभी जैसे ही बारिश आएगा, जिस दिन भी बारिश होएगा वो दूसरे दिन भर के जाएगा, पूरा गटर में पूरा आ जाएगा, और तकरीबन ये जैसा बारिश हो गया उसे पाँच छह दिन आठ दिन तो ऐसे ही रहता ही है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है इधर, कोई कुछ नहीं है, जैसा है वैसा ही है। ठीक, क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ, गंदगी बहुत है, गटार भरती है, हमेशा पानी आता है। हाँ, छोटे बच्चे हैं हमारे, एक दो दिन का नहीं है, हमेशा गटार भरती रहती है, पूरे हमारे बाड़े के लोगों को पूरी तकलीफ है, बहुत तराश हो रहा है, बहुत गंदगी, बास, मच्छर, बहुत तकलीफ। कहाँ से आ रहा पानी है? तो पूरा इधर झोपड़पट्टी का, इधर ये मंदिर का, ये परसूसी मंदिर का पानी आ रहा है। बास अच्छी आ रही है? बास कैसी आ रही है? बहुत गंदी बात है, दुनिया की गंदी बात, शीर दुख रहा है, आना जाना तकलीफ हो रहा है।